आज सुबह 8:30-9 बजे के दरमियान यहाँ आग लगी। यहाँ सिलेंडर के फटने की आवाज आई थी। यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे फोन किया और आने के बाद पता चला कि ये कोविड का सेंटर जहाँ चालू था वहाँ से सिलेंडर लाके रखे थे, गद्दियाँ लाके रखी थी। और बहुत देर से 3-4 साल से ये स्कूल C1 कैटेगरी के होने के वजह से वो बंद पड़ी थी। यहाँ के बच्चे जो है स्कूल के पढ़ने वाले उनको अलग अलग स्कूलों में भेजा गया था। और बहुत दिन से हमारे लोकल MLA मिस्टर अजय चौधरी, उन्होंने भी 2-3 बार मीटिंग लेके बोल दिया था कि जल्दी से जल्दी ये स्कूल डिमोलिश करके नया स्कूल बांधो कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अच्छा होगा। लेकिन मुंबई महानगर पालिका रस्ते के ऊपर, ब्यूटिफिकेशन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, लेकिन स्कूल बांधने के लिए उनको पैसा नहीं है। और 4-5 साल से स्कूल ऐसी धोखादायक स्थिति में पड़ी है। ऑक्सीजन सिलेंडर थे, यहाँ गद्दियाँ रखी गई थी, पेपर रखे गए थे, ड्रम रखे गए थे और स्टोर रूम करके रखा था स्कूल का। स्थानीय बोले हमें मालूम है, हम लोकल यहाँ के रहने वाले, हमको मालूम है ये स्टोर करके यूज किया जाता था स्कूल का C1 कैटेगरी के होने के वजह से। लेकिन ये गलत है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। महानगर पालिका के अधिकारियों का इसके ऊपर ध्यान चाहिए। कोई अंदर नहीं थे, उधर स्कूल बंद है और यहाँ कोई बच्चे बीचे कोई नहीं है, सब 3-4 साल से स्कूल बंद है। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारियों ने ध्यान देके इधर से वो स्टोर रूम बना के रखा था, वो गलत है, इसके वजह से इधर आग लगी है।